परीक्षण करने पर यह पाया कि वर्ष 2016 तक, वर्ष 2020 तथा वर्ष 2021 में जो तदर्थ नियुक्तियां की गईं उनमें अनियमितताएं थीं तथा इन भर्तियों में विभिन्न पदों के लिए निर्धारित नियमों का पालन नहीं हुआ है। समिति ने विभिन्न न्यायालयों में द्वारा नियम विरुद्ध भर्तियों के संबंध में समय समय पर दिए गए आदेशों का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित कारणों से नियमों के विरुद्ध की गई इन तदर्थ नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए। समिति ने वर्ष 2016 तक 150 तदर्थ नियुक्तियों, वर्ष 2020 में 6 तदर्थ नियुक्तियों तथा वर्ष 2021 में 72 तदर्थ नियुक्तियों की पहचान कर उन्हें निरस्त करने की सिफारिश की है। समिति ने इस संबंध में जो कारण बताए हैं वह इस प्रकार हैं। सेवा के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित चयन समिति का गठन नहीं किया गया, इस प्रकार यह तदर्थ नियुक्तियां चयन समिति के माध्यम से नहीं की गई हैं। तदर्थ नियुक्ति के जाने हेतु कोई विज्ञापन नहीं दिया गया और ना ही कोई सार्वजनिक सूचना दी गई और ना ही रोजगार कार्यालय से नाम मंगाए गए। तदर्थ नियुक्ति किए जाने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र नहीं मांगे गए, केवल व्यक्तिगत आवेदन पत्रों पर नियुक्ति प्रदान कर दी गई। तदर्थ नियुक्ति किए गए जाने हेतु कोई प्रतियोगिता एग्जाम परीक्षा आयोजित नहीं किए गए। इन तदर्थ भर्तियों के लिए सभी पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थियों को समानता का अवसर प्रदान नहीं करके भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 16 का उल्लंघन हुआ है।